हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर एंजॉय द वीडियोज इन दिस वीडियो वी कवर दाउंटिंग प्रिंसिपल तो दैट इज योर एंटिटी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और अकाउंटिंग एंटिटी बटे इसमें आप लोगों के मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कंसेप्ट और एंटिटी को कन्वेंशन को मिला के प्रिंसिपल्स बनते हैं तो इसमें बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है या कन्वेंशन लगा लीजिए to this business entity principle, business is considered to be a separate and distinct डिस्टिंक फ्रॉम इट्स ऑनर यानी कि उस बिजनेस जो है और जो उसका मालिक है वो दोनों में सेपरेट है यानि की इन द आई ऑफ लॉ यानी कानून की नजरों में जो बिजनेस है दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो कि अपने आप में एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट है और वो अपना काम खुद कर सकता है अगर हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑनर क्रेडिटर है बिजनेस का कैसे क्योंकि जब ऑनर कैपिटल को इन्वेस्ट करता है कैपिटल मीन्स कैश लगाता है तो बिजनेस वाली बुक्स में अकाउंट्स की बुक्स में फॉर्म की बुक्स में उसको आप लाइबिलिटी साइड लिखते हो कैपिटल कि आपने उसको पैसा देना है हालांकि हम पैसा देते नहीं है लेकिन फिर भी आप बिजनेस ये शो करता है कि मैंने मालिक से ऑनर से पैसा उधार लिया है तो कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर इज डेबिटेड इन कैश और बैंक ऑफ बिजनेस कैश आता है दैट इज एन रूल ऑफ डबल ट्रांजेक्शन एंट्री तो वो मैंने आपको गोल्डन रूल अभी समझाने हैं लेकिन जब आपके पास कैश आता है डेबिट वर्ड कम्स इन यानी कि आपके पास कैश इंक्रीज हो गया तो कैश को डेबिट करेंगे बिजनेस की बुक्स में और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल दैट शो इन द लाइबिलिटी क्रेडिटेड ठीक है तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि बिजनेस पर्सन और बिजनेस दोनों सेपरेट है ठीक है सेकेंड है बेटा आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ट्रांजेक्शन एन इवेंट दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन और इवेंट जो कि आप मनी में मेजर कर सकते हो उन्हीं को अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जो चीजें आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बेटे जैसे मान लो आपने मैनेजर की सैलरी दी टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड आपने उसके काम का जो शो किया है ना वैल्यू शो किया है दैट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म मैनेजर सैलरी लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैनेजर बहुत एफिशिएंट है ऑनेस्ट है ऑन अपॉन हीज एफिशियंसी उसी की एफिशियंसी के बेसिस पर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप उसको कहा लिखोगे कोई एंटिटी तो है ही नहीं ना तो आप सिर्फ उन्हीं को लिख सकते हो तभी इस प्रिंसिपल की बटे दो लिमिटेशन है दिस प्रिंसिपल सफर फ्रॉम टू मेजर लिमिटेशन वन मार्क्स का क्वेश्चन लिमिटेशन में से बन सकता है तो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड यानी कि जो पैसों में व्यक्त नहीं की जा सकती उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो अब मैंने आपको जैसे मैनेजर का कहा कि उसकी एफिशिएंसी के बेसिस पर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेस है हमारे आपको तीन तरह के एसेट्स बताए मैंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंशियल हो गए आपका कैश बैंक शेयर डिवेंचर्स और जो फिजिकल होती है लैंड ये प्लांट एंड मशीनरी ठीक है प्लांट एंड मशीनरी हो गई फर्नीचर हो गए और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे मैनेजर्स हो गए एम्प्लॉय हो गए तो ये देखो बेटा फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज को मेंटेन कौन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज लेकिन आप अकाउंट्स की बुक्स में सिर्फ फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज को रिकॉर्ड करते हो ह्यूमन रिसोर्सेज को रिकॉर्ड करते ही नहीं हो हालांकि वो दोनों रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स ही मेंटेन करता है नेक्स्ट है बेटा डिसाइड इग्नोरिंग द नॉन क्योंकि आप नॉन मॉनिटरी ऑफ प्रॉफिट ठीक है बच्चे सेकेंड बेटा कि एक तो ये रियल फैक्ट को शो नहीं करता सेकंड परचेजिंग पावर को भी ये इग्नोर करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आज आपने रॉ मेटेरियल खरीदा पंद्रह रुपए ठीक है पंद्रह रुपए पर यूनिट के हिसाब से लेकिन फ्यूचर में वो आपका पच्चीस रूपये या तीस रूपये हो गया तो लेकिन आप ये चीज कंपैरिजन कहाँ करते हो आप तो टोटल कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हो कि फिफ्टीन इंटू इतने यूनिट्स किए थे और अब आपने उन्हीं यूनिट्स को परचेज किया ट्वेंटी पर यूनिट इतना कर दिया तो लेकिन कहाँ हुआ वो चीज नहीं हुई ना तो आपने को इग्नोर करना पड़ा क्योंकि आप नॉन मॉनिटरी फैक्ट्स को नहीं लिखते नॉन मॉनिटरी इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को इग्नोर करते हो ठीक है बच्चे नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड पीरियड प्रिंसिपल प्रिंसिपल अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज आर्टिफिशियली ब्रोकन इन टू स्मॉल पीरियड विच आर नोन एज अकाउंटिंग पीरियड बटे इसमें क्या होता है कि जब आपने अपने बिजनेस की प्रफिबिलिटी यानी कि कितनी एफिशिएंसी से आपने काम किया यानी कि इफ यू वांट टू चेक द प्रॉफिट और लॉस जितने समय में आपने काम किया उसमें आप देखना चाहते हैं तो उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं यहां पे लिखा हुआ है ना अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इकोनॉमिक मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस को कंसिडर करना आर्टिफिशियली ब्रोकर आप कभी भी कर सकते हैं इवन आर्टिफिशियली तो सिक्स मंथ में भी हो सकती है नाइन मंथ में भी थ्री मंथ में भी तो जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं लेकिन मेनली दिस टाइम पीरियड इज जनरली ऑफ ट्वेल्व मंथ बारह महीनों का होता है एक साल का एट विच इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर बट दीज टू स्टेटमेंट जो इनकम स्टेटमेंट है उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है और फाइनेंशियल स्टेट से असर्ट्स एंड लाइबिलिटीज का आपका पता लगता है ठीक है नेक्स्ट है बेटा आपका फुल डिस्कलोजर प्रिंसिपल फुल डिस्लोजर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फुल फुलिसक्लोजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो आएंगी आपकी आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट और एक आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्कलोज ऑल द रेलिवेंट यहां पर बेटे मैं बात कर रही हूं आपके पास रेलिवेंट रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट मीन्स जो सही हो और रिलायबल मीन्स जिसके पास आपके पास प्रूफ हो रेलिवेंट एंड रिलायबल इनकम्प्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी सही हो और जो कि यूजफुल हो उसी को डिसक्लोज करो सो दैट द इंफॉर्मेशन मे बी यूजफुल फॉर द यूजर ये नहीं है कि आपको चाहिए थी दो महीने की आपने उसको दे दी दस महीने की नहीं आपके जितने भी अकाउंटिंग यूजर हैं आपकी फॉर्म के यूजर्स हैं उनको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप उनको दो ठीक है नेक्स्ट है बेटा आपका मेटरलिटी प्रिंसिपल मेटरिटी प्रिंसिपल रेफर टू द रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन आइटम और एन इवेंट यानी कि आपका मतलब जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को मत दो डिस्क्लोज मत करो इससे आपके ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी uh, आ जाएगी क्या होता है बेटे कि अगर मान लो आपको कोई इंफॉर्मेशन एक ही चाहिए ठीक है उसके बाद मेटर्लिटी का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी फॉर्म के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट आपकी नेचर और अमाउंट के ऊपर डिपेंड होती है कि उस ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है और वो कैसे कितने अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एन अमाउंट ऑफ रुपीज वन लैख एक लाख रुपए है स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग आपने बिल्डिंग की रिपेयर पर खर्च किए ये मैटरलिटी मैटर रखती है यानी कि ये रखती है जिन, जिस एंटरप्राइजेस की टर्नओवर ओवर पांच लाख है यानी कि एक एंटरप्राइज है जिसकी जो इनकम है एनुअली टर्न ओवर उसकी पांच लाख है अगर उसमें से आप एक लाख रुपए खर्च करते हो बिल्डिंग रिपेयर पे तो उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा मेटेरियल है लेकिन अगर यही एक लाख उस एंटरप्राइजेस के लिए शो करते हो जहां पर टर्न ओवर पंद्रह लाख है तो आपके लिए ये इतनी मैटर नहीं रखती या पच्चीस लाख है जिसकी टर्न तो उसके लिए एक लाख रुपए स्मॉल अमाउंट है उसमें कहेंगे कि ठीक है इट्स एंड डेली एक्सपेंस तो मेटर्निटी का मतलब होता है कि कितनी आपकी लिए वो खर्चा या ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है आपने उसको रेफर करना है और जो अनयूजफुल है उनको रेफर नहीं करना ठीक है बच्चों